SRM टुडे शहर की आवाज। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में परीक्षा के चलते सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कॉलेज प्रशासन द्वारा गेट बंद कर दिए गए, जिससे छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी क्योंकि वे अपने कॉलेज संबंधित काम नहीं करवा पा रहे थे। इसीलिए FBPP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन से गेट खोलने की मांग की, जिससे इनके बीच बहस भी हुई। राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक स्तर की कला संकाय की परीक्षाएं चल रही है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से और नकल ना हो पाए उसी को लेकर कॉलेज प्रशासन द्वारा गेट लगवा दिए गए हैं। लेकिन इसी बात से कुछ छात्रों को भी परेशानी झेलनी पड़ी है क्योंकि कॉलेज प्रशासन द्वारा मेन गेट बंद कर दिया गया, जिससे यदि कोई छात्र किन्हीं दूसरे कार्यों जैसे छात्रवृत्ति आवेदन, भोज में एडमिशन, TC आदि कामों के लिए कार्यालय में जाते हैं तो वे नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उन्हें काम में रुकावट तो हो रही है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसीलिए FBPP द्वारा छात्रों को परेशानी ना हो उसके लिए गेट खोलने की मांग की गई, जिसको लेकर कॉलेज प्रशासन व छात्रों और FBPP कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हुई। लेकिन परीक्षा प्रभारी चंद्रशीला गुप्ता द्वारा गेट नहीं खोलने दिया गया, सिर्फ जिन छात्रों को काम था उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई और कहा कि छात्रवृत्ति के कामों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अलग से चैम्बर बनाया गया है, इसीलिए वहां जाएं। इतना ही नहीं, परीक्षा प्रभारी ने कहा कि हमारे द्वारा नकल पर सख्ती बढ़ती जा रही है, इसीलिए ऐसी प्रतिक्रियाएं आना निश्चित है जो हर बार आती है। परीक्षाओं के चलते 17 से 18 नकल के प्रकरण कॉलेज प्रशासन द्वारा बनाए गए हैं। इसी बात को लेकर मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा और बातचीत की। आप मेरी बात सुने, सारी व्यवस्थाएं वो झूठ बोल रहे हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है, इस कॉलेज के फॉर्म उधर लिए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है और ऑफिस में किसी को काम में तो जाने दिया जा रहा है। ऑफिस के कार्य के लिए नहीं रोका जा रहा है सर, अभी दो लड़के गए फॉर्म अपडेट कर रहे हैं। हो रही है तो निश्चित ही छात्रों से प्रतिक्रिया आएगी और इसी तरह की प्रतिक्रिया हमेशा आती है। छात्रों के समस्त अन्य कार्यों की व्यवस्थाएं उधर की गई है सेपरेट बिल्डिंग में, आप जाकर वहां नोटिस भी लगे देख सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं, हमारे यहाँ सारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। छात्र गांव से आ रहे, काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं। वो जाने कौन कितनी बजा रहा, कौन कितनी बजे नहीं जा रहा, सबसे बड़ा रजिस्टर चेक करो। क्यों लगा दिया सर ताले? कौन है मैडम, ताले आपने लगाए क्या? हाँ, कोई कुछ लोग विरोध कर रहे थे आने के लिए, आपने आने नहीं दिया उनको परीक्षा, ऐसा क्या बाहर खड़े हुए मैडम बात कर रहे हैं। स्कॉलरशिप फॉर्म जमा कराना है सुबह 1:30 बजे। देखिए सब जिसको जाना है स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना है, वो टोटल उधर डे केयर में जमा हो रहा है, वहाँ पर जमा होंगे सर की सुबह ड्यूटी थी। क्या मैडम खरीद लिया कॉलेज क्यों रजिस्ट्री कर नाम से? उन्होंने फीस दी है छात्रों को रजिस्ट्री कर दिया। अर्जुन लाइए कहीं साहब, जाओ अर्जुन को भी ला ले लो। ये चप्पल कौन पहना रहे हैं? बात हो गई है हमारी कि छात्रों को काम होगा तो ताले वहाँ लगाओ, या एग्जाम चल रही है, यहाँ एग्जाम चल रही है यहाँ ताले लगाओ, मतलब छात्रों काम नहीं होंगे। ग्रामीण क्षेत्र से छात्र आ रही हो, सारे छात्र जा रहे हैं, पहले घर वाले बेचते हैं कि दूसरे आप जरा सा भी नहीं सोचते हो लगवा रखे आपने, कहा इतनी दूर दूर से आती है वो सब जा रहे हैं, कोई तरीका नहीं हुआ है। कहाँ से पुलिस भगा रही है, कहाँ से जा रहे हो? क्या काम है आपके, कुछ काम था ना? इसका काम में करो अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से वहां पुलिस तो बाहर भगाएगी, बोल रहे अंदर आन दो, अंदर अंदर क्या करो, ये छात्र थी फार्म पे छात्र।
गुंडागर्दी मचा रखी है। डे केयर नहीं, वहाँ से पुलिस आनंद दे रही, क्या डे केयर में गुंडा पड़ा आनंद दे रहे हैं, अंदर पे नहीं रखने दे रहे। उधर के उधर जा रहे हैं, आप जाके देखो वहाँ छात्रवृत्ति का एक चैम्बर बना हुआ है, वहाँ छात्रवृत्ति के फॉर्म। हाँ, एलओसी पे नहीं होता इतना कश्मीर में। हाँ बोलो भैया, क्या समस्या है? समस्या है कि छात्र आ रहे हैं, छात्र फॉर्म हुआ, कार्यालय कोई काम हुआ तो ये गलत ताला लगा रहे हैं। ताला परीक्षा परीक्षा की वजह से लगा रहे हैं बेटा, के लिए ताले लगा रखे हैं। उसके बाहरी आउटसाइडर बच्चे नहीं जाए सुखवाल अपने, ये समर्थन कर रहे हैं, पर जो काम है छात्रों कम से कम वो तो होने दो। होन दे रहे हैं, होन दे रहे हैं, वही तो मना कर रहे हैं। पुलिस मारा अंदर ही नाम दे रहे हैं, क्या करेंगे बच्चा के नहीं जाना है और सब शांति से सारा काम हो जाएगा, सारा काम होगा ना। ऑफिस का काम तो होगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि ऑफिस का काम नहीं होगा, हम मना कर रहे हैं कि ऑफिस का काम नहीं होगा। बाहर वो मना क्यों कर रहे हैं, ताले लग रहे हैं। परीक्षा अच्छी होनी चाहिए, होनी चाहिए, मेरे को परीक्षा अच्छी होनी चाहिए। थोड़ी सी व्यवस्था तो सुपरिटेंडेंट को अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, यहाँ प्रिंसिपल को अपने हिसाब से करनी पड़ेगी कुछ व्यवस्थाएं, तो नहीं तो फिर अपन इसको देवास बना देंगे, इसको अपन और कुछ बना देंगे, अपने कॉलेज को अपना नाम बदनाम होगा। उनका काम तो कोई और नहीं, आपकी और मेरी पूरे शहर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है परीक्षा मामला है, कार्यालय वाला काम है, कम से कम बिल्कुल सहमत है, 1000% सहमत है कि कार्यालय में आपको जाने देंगे, पर जहाँ परीक्षा वहीं से जाने देंगे। माँ से तो बगैर कहाँ जाने दे रहे, मैं खड़ा हूँ ना, मैं जाने दे रहा हूँ किसको काम है। चलो 40 लोग 50 लोग कितने चलते हो कार्यालय में, किनको काम है, मेरे साथ चलो। आदमी अपॉइंट कर देते, आप कहो वहाँ बिठा देते, आप जहाँ कहो वहाँ बिठा देते। आपका प्रेसिडेंट यही है, ये तुम्हारा विद्यार्थी परिषद का नेता यही है, प्रेसिडेंट यही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, तुम ऐसी चिंता क्या करते हो, मैं कोई फॉरेन से थोड़ी ना आया हूँ, मैं भी इसी मिट्टी का आदमी हूँ, यही का आदमी हूँ, यही का बंदा हूँ। मैं कोई फॉरेन से आया हुआ था तो बात मानेंगे, तुमको रोकेंगे हम, क्यों रोकेंगे, तुम्हारे वजह से हमारी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे वजह से ही हमारी प्रतिष्ठा। हमको कौन पूछेगा बाजार में, हम तुम्हारे प्रोफेसर नहीं होंगे, तुम्हारे प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो हमको बाजार में कौन पूछेगा। तुम्हारे से हमारी प्रतिष्ठा, हमारे से तुम्हारी प्रतिष्ठा है, वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा है भाई, तुम्हारी वजह से हमारी। चाय पीने चल रहे हैं, कार्यालय का एग्जाम हो रही है, यहाँ पर प्रिंसिपल में कहाँ एग्जाम हो रही है, तो काम करने से मतलब हालत अच्छी है कि आज काम नहीं होना चाहिए। छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, कम से कम उनका काम तो हो, यहाँ पुलिस तब से लगी हुई है, उनको समर्थन करके सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कार्य नियमित होते हैं वो होना चाहिए हमारा कहना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से 50-60-70 किलोमीटर से आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई ताले वाले नहीं लगाए गए, एग्जाम चल रहे हैं बराबर, कहीं कोई ताले नहीं लगाए हैं, एग्जाम बराबर चल रहे हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट आए थे कि फॉर्म के भरने के चक्कर उसमें, तो कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा उनको बताया गया है कि परीक्षा चल रही है, परीक्षा के बाद 2 बजे के बाद अपना फॉर्म भर सकते हैं, पर अगर आपको अभी अर्जेंट भरना है तो दूसरी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन स्टूडेंटों को ये कहना था हम अभी भरेंगे। हाँ, आपस में कॉलेज मैनेजमेंट और स्टूडेंट के बीच में बहस हुई है। अभी स्नातक स्तर की कला संकाय की परीक्षाएं चल रही है और लगभग 1300 विद्यार्थी इस वाली शिफ्ट में आज सम्मिलित हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं हंगामा इस बात के लिए हुआ कि इनको वहाँ पर शायद जाने नहीं दे रहे हैं, कार्यालय की तरफ जाने नहीं दे रहे, इस बात को लेकर उनका थोड़ा सा रोष था, तो हमने बोल दिया कि जहाँ परीक्षाएं चल रही वहाँ नहीं जाने देंगे और कार्यालय सबके लिए खुला है और मैं भी उनकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। अभी तक करीब 17 नकल के प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, कल ही मेरी पाली में ही सुबह 4 प्रकरण मेरे स्वयं के द्वारा पंजीबद्ध किए गए हैं और इस प्रकार करीब 17 और आज 18 प्रकरण मेरे सामने ही एक पंजीबद्ध हुआ है 12 बजे के आसपास।
प्रखंड नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई ये की जा रही है कि इनका जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट यूनिवर्सिटी तय करती है। हम यहाँ से नकल प्रखंड बनाकर उसी दिन तत्काल विश्वविद्यालय को प्रेषित कर देते। अभी करीब 1300 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं लगभग, अभी आज की शिफ्ट में कुल तीनों पालियों को मिलाकर लगभग 9.5 से 10 हज़ार विद्यार्थी सम्मिलित होंगे पूरी परीक्षाओं। इंचार्ज तीन पालियाँ हैं और तीनों पालियों के लिए अलग अलग सुप्रिटेंडेंट हैं और हर पाली के अंतर्गत तीन तीन असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और साथ ही में पीआई की व्यवस्था भी की गई। अभी पीजी कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम चल रही है तो महाविद्यालय ये तर्क दे रहे हैं कि सुरक्षा के नाते इन्होंने पूरा गेट बंद कर दिए हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र से छात्र आ रहा है जिसका छात्रवृत्ति का काम है, जिसका भोज में एडमिशन का काम है, जिसका कार्यालय में कोई एडमिशन या कोई TC VC ऐसा मामला है, प्रिंसिपल रूम में काम है, तो वो ऐसा काम के लिए छोटे छोटे काम के लिए भी उनको भटकना पड़ रहा है और मुख्य गेट पर इन्होंने ताला लगा दिया है। पहले ही तो अंदर के कर्मचारी कामचोर हैं, आलसी हैं, बात बात पर चाय पीने प्रकाश जी के होटल पर चल जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारी बहनें भाई यहाँ पर आते हैं उनको बार बार भगाया जा रहा है, पुलिस मुख्य गेट से ही उनको भगा रही है। तो क्या ये छात्र हितों का मामला है? हम इनको कह रहे हैं कि परीक्षा में हमारा भी समर्थन है, सुरक्षा जायज़ है, प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन जहाँ एग्ज़ाम चल रही है वहाँ ताला लगाया जाए और जहाँ जैसे कार्यालय हुआ, प्रिंसिपल रूम हुआ, छात्रवृत्ति का कक्ष हुआ, ये सभी चालू रहा जाए ताकि छात्रों को समस्या नहीं हुआ हो। इसके लिए हमने आज मैडम को बोला था तो मैडम मानने को तैयार नहीं है कि बंद ताला हम खोलें, इसलिए आज ये बहस हुई। ये मैडम जो कक्षा प्रभारी हैं चंद्रशीला गुप्ता हैं और उषा अग्रवाल सह प्रभारी। देखिए विश्वविद्यालय परीक्षाएँ चल रही हैं और इसमें परीक्षार्थियों के अलावा किसी और का आना नियम के विरुद्ध है, इसलिए प्रवेश द्वार पर सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी गई है जिनको आज परीक्षा दे। हमारे जो कंट्रोल रूम की टीम है और इन्विजिलेटर और परीक्षार्थी, हम लोग पूरी जांच करते हैं और बार बार जांच कर रहे हैं और छात्रों से निकलवा के लेते हैं और उसके बावजूद अगर वो नकल करते हुए पाए जाते हैं तो केस बनता है। अभी एक केस बना है आज, अभी तक हमारी शिफ्ट में तीन लोगों का बना है। एग्जाम चल रही है BA। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।